द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन डिवेलमेंट टू जब हम बात करते हैं रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन डेवलपमेंट तो यहां पे हम डिस्कशन कर सकते हैं अंडर द सबहेडिंग ऑफ प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन फैक्टर कंट्रीब्यूशन मार्केट कंट्रीब्यूशन एंड फॉरन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन जब हम डिस्कशन करेंगे विद रेफरेंस टू फैक्टर कंट्रीब्यूशन तो यहां पे एग्रीकल्चर का रोल आएगा टूवर्ड्स द लेबर कंट्रीब्यूशन आर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन कि जब हम बात करते हैं लेबर कंट्रीब्यूशन की कि बेसिकली इट इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट सप्लाइज लेबर फॉर द इंडस्ट्री और जो भी आपकी अदर एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्री इट ऑल्सो कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर लेकिन जब आप लेबर को रिलीज करोगे फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर तो वहां पे क्या होना चाहिए देर शुड बी इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बात होती है कि जब आप एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं यूजली देर इज सरप्लस लेबर इफ देर इज अ सरप्लस लेबर इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस जब हम डेवेलपमेंट के यहाँ पे बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दरप्लस लेबर इट रिजल्ट इन दोअर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर और जब लोअर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर होगी तो इट रिजल्ट इन अ फास्टर एक्सपेंशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर जब इसी पैटर्न पर जब हम फैक्ट्री कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं अंडर दब एडिंग ऑफ कैपिटल एकॉमलेन फॉर द इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट तो इट ऑल्सो केम फ्रॉम द सेविंग्स ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जब हम सेविंग्स की बात करेंगे फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर दी सेट्री आर इन वोलेंट्री जब आप वॉलेंट्री को हम डिस्कस करते हैं तो हम, पे हम बात करते हैं दीज आर सेविंग्स ऑफ द दैंड लॉर्ड हु आर यूजिंग इट वॉलेंटरीली फॉर द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज फिर इसी तरह जो आपके पास स्मॉल फार्मर्स हैं दे कैन आल्सो कैरी आउट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ देयर स्मॉल सेविंग्स इन रूरल बैंक्स जब हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री सेविंग्स की तो यहां पे बेसिकली गवर्नमेंट इज इंपोजिंग टैक्सिंग ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर इसी पैटर्न पे जब हम यहां पे आप कह लें एक्सट्रैक्शन हो सकती है गवर्नमेंट सरप्लस की थ्रू एक्सप्रोप्राइजेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन की ये जो एक्सप्रोप्राइजेशन की हम बात करते हैं इसमें आप है बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट टेक्स द प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट फिर इसी तरह बाई कैरिंग आउट द प्राइसिंग पॉलिसीज सरप्लस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल साइड कि जो आप प्राइसेस फार्मर्स को पे करते हो दैट प्राइसिसन दाइस इन दर्किट और यह जो डिफरेंस है प्राइसेस इट रिजल्ट इट बेसिकली क्रिएट द रेवन्यूज फॉर द गवर्नमेंट और ये जो सारे रेवेन्यूज क्रिएट किए बाई इम्पोजिंग टैक्सिंग आर एक्सटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस थ्रू एक्सप्रोजेशन आर क्लेक्टिवेशन आर बाई चार्जिंग लोअर प्राइस फ्रॉम द फार्मर एंड सेलिंग द एग्रीकल्चर आउटपुट एट दायर प्राइसेज जो भी यहां पर रेवेन्यूज आप कह लें कुलेक्ट किए गवर्नमेंट ने दोज रेवेन्यूज आर यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट और जब इन्वेस्टमेंट होगी तो इट रिजल्ट इन कैपिटल कमुलेशन अभी एक और जो चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं प्राइसेज की तो जो आपके पास एग्रीकल्चर कमोडिटीज है इनकी लो प्राइसेज आर यूजली वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर लेकिन इसकी जब आप कह लें कि ये लो प्राइसेज होंगी फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर जब आप इनको आप कह लें इंपोज करते हो या रेगुलेट करते हो तो वहां पे एक और बात भी हम करते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं दे आर नॉट वेरी मच दे हैव वेरी लिमिटेड के जी अगर वहां पे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज करोगे तो इट माइट बी पॉसिबल वो जो स्मॉल फार्मर्स हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लेस क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्या है देयर इंटरेस्ट इज ओनली टू गेट द फिक्स मनी इनकम कि इनफैक्ट जब हम बात करते हैं कि बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कि इफ किर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट टू सस्टेन देयर लेवल ऑफ इनकम स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लेस क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट लेकिन ये जो हम बात करते हैं कि जी स्मॉल फार्मर्स हैव लिमिटेड होराइजन ये आप कह लें इट बेसिकली हैव इनॉर्मस डैमेज ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर कि जब आप एग्रीकल्चरल सेक्टर की प्राइसेस लो रखते हो और हम एक्ट हम आप कह लें कि परसेप्शन हमारा ये है कि फार्मर्स आर नॉट टिंग इंसेंटिव इफ देर इज एनी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट अब तो आप कह सकते हो दिस इज अ लॉन्ग परसेप्शन इनफैक्ट जब हम रियलिटी की बात करते हैं मैं अगर नट शेल में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इवन स्मॉल फार्मर रिस्पॉन्ड टू प्राइस इंसेंटिव इफ देर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर अगर उनकी प्राइसिस कम होगी तो वो दे विल प्रोड्यूस लेस